हेलो एवरीवन क्या सब बच्चे आ चुके हैं मैं आप लोगों को एक पीडीएफ देने वाला हूं मैं आप सब बच्चों को पीडीएफ दूंगा एक तीन चार क्लासेस के बाद जो कि पीडीएफ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आएगा भी वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी पी बन रही है वो आप तक पहुंच जाएगी ठीक है परेशान होने की जरूरत किसी को नहीं है ठीक है

हेलो एवरीवन हाँ तो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉमिस किया था तो रैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं रैंकिंग के बाद आएगा सीटिंग अरेंजमेंट फिर पजल ये पूरा एक सीक्वेंस चलेगा ठीक है चलो स्टार्ट करें बताइए ठीक है ऑल ऑफ यू चले स्टार्ट करें रैंकिंग क्या आप लोग एक्साइटेड है रैंकिंग को सीखने के लिए रैंकिंग चैप्टर को सीखने लिए स्टार्टेड है था? आप लोग वो है एक्साइटेड है भैया एक होती है अ लीनियर रैंकिंग दूसरी रैंकिंग तो हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे अभी हम लोग लीनियर को ही देखेंगे हाइए दिखाई दे रहा है आपको उड़ी बाबा दिख रहा है यही है वो उड़ी बाबा इसको पहचान लो आप लोग यही है वो उड़ी बाबा इसको पहचान लो ध्यान से ये यह यही है उड़ी बाबा इसको पहचान लो इसको ये उड़ी बाबा इसको पहचान लो यही है उड़ी बाबा यही यही उड़ी बाबा इसी को देख के बोलता हूं मैं उड़ी बाबा देखो उड़ रहा है ये जमीन यहां है उड़ के वहां बैठा है यही उड़ी बाबा आइए जब हमारे पास टाइप नंबर वन का क्वेश्चन आएगा यानी यहां पे जो सिंगल पर्सन दिया होगा यानी हमें रैंग निकालनी किसी व्यक्ति की हमारा हाथ ये राइट है बेटा तो ये राइट होता है हमारा ये हाथ लेफ्ट है तो ये लेफ्ट होता है ठीक है क्लियर आइए टाइप नंबर वन है जो सिंगल पर्सन हमको दे रखा हो अच्छा कीर्ति क्या कीर्ति तो दिल जीत लेती हो आओ सिंगल पर्सन की बात हो गई लेफ्ट और राइट दोनों की वेनो बेटा टीयर स्टूडेंट्स ठीक है अब देखो मान लो ये लिखा हुआ है कि इस बालक की ये मान लो कोई है क्लास का कोई बच्चा है कोई ये इसकी मान लो रा, राइट से जो रैंक है इसकी राइट से रैंक मान लो सत्रह रैंक है सत्रह रैंक है मान लो साहिल ही है साहिल है साहिल की जो रैंक है वो राइट से यानी दाहिने से सत्तरवीं है और बाएं से बाएं से जो रैंक है साहिल की वो मान लो पंद्रह बाएं से पंद्रह हमने क्या कहा साहिल की जो रैंक है वो दाहिने से यानी राइट साइड से सत्रह और लेफ्ट साइड से पंद्रह हाँ। आपका राइट होगा वही राइट है जो हमारा लेफ्ट होगा वही लेफ्ट होगा ठीक है पंद्रह हमसे पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में या इस पंक्ति में कितने लोग हैं तो तरीका होता है टोटल लोगों का निकालने का लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल निकालने का तरीका होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन तो देखो भैया लेफ्ट कितना है भैया पंद्रह राइट से सत्रह माइनस वन पंद्रह प्लस सत्रह बत्तीस माइनस एक इकतीस तो इस क्लास में या इस पंक्ति में टोटल इकतीस लोग हैं ठीक है ठीके? कितने बच्चों को यह कहानी क्लियर हो गई अगर एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों दिया होगा और हमसे टोटल की डिमांड की जाएगी तो हम दोनों को ऐड करके एक से माइनस कर देंगे बोलो यस और नो क्लियर है क्लियर है अच्छा अगर टोटल के बाद हमसे यहां पे राइट से पूछा जाए मान लो हमको टोटल दे दे लेफ्ट दे, दे राइट से पूछे तो राइट से क्या होगा टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट ठीक है लेफ्ट से क्या होगा टोटल प्लस वन माइनस राइट ये ये तीन सिचुएशन के फॉर्मूले बने हैं तो एक ही फॉर्मूला लेकिन आप इन्हें तीन के फॉर्म में याद रखिए किसी को दिक्कत है तो पूछिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू नंदनी पांडे क्लास पढ़ा लूँ या पहले लिंक शेयर कर दूँ आपको क्लास के अंत में कर दूंगा डियर हैव पेशेंस कीप वॉचिंग किसी को दिक्कत काल अनामिका कोई परेशानी किसी बच्चे को पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा सॉल्व करिए और आंसर कमेंट करिए बिल्कुल जो अभी पढ़ाया उसी के ऊपर है अब बताइए कोई डाउट एक रो में जो मोहन है वो 18 है लेफ्ट से ये लेफ्ट है मोहन जो है ये मोहन है और 18वीं रैंक पर बैठा हुआ है और सत्रह फ्रॉम राइट से है मोहन ये राइट से 17वीं रैंक पर है फिर क्या कह रहा है टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन पैंतीस में से एक गया चौंतीस नंबर ऑफ स्टूडेंट सबको समझ में आ गया एक और सवाल कर लू नूर जहाँ पहले से आता है तो फिर क्या कर रही है क्लास में जाके आराम करो बेटा कोई और क्लास कर लो जाके जो ना आता हो आपको अट्ठारह पंद्रह लेफ्ट से है बत्तीस नहीं नहीं प्रियंका ये सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है अब देखिए बताइए सारे बच्चे देखो भैया हमें क्या निकालना है लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट क्या होता है टोटल प्लस वन माइनस का राइट साइड टोटल कितने पचास में एक जोड़ देंगे और राइट right साइड से कितना होगा बीस इक्यावन माइनस बीस इकतीस क्लियर है एक और करो जब तक मैं आपको बीस यू सवाल कराकर सेवेंटी नाइन टोटल प्लस वन माइनस का लेफ्ट तीस पचास आ गया राइट से तो अभी क्लियर हो गया सबको सबको क्लियर हो गया एक बार जरा ये करो जैसे लेफ्ट और राइट होता ऐसे टोटल में टॉप और बॉटम भी होता बेटा चाहे लेफ्ट प्लस राइट बोलो चाहे टॉप प्लस बॉटम बोलो दोनों ही बात बराबर है ठीक है करो चाहे लेफ्ट प्लस राइट बोलो चाहे टॉप प्लस बॉटम बोलो दोनों ही बात अपने आप में बराबर है ठीक है कर लिया <coughs> तो पंद्रह एक सोलह चालीस में से सोलह जाएगा इकतालीस में से पंद्रह जाएगा छब्बीस आ जाएगा छब्बीस बताओ सौ है प्यारे की तीस रैंक है तो प्यारे टॉप से कितने पर होगा लास्ट सवाल हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं बताइए क्लियर है हो गया सबको क्लियर सौ प्लस एक माइनस तीस अभी तक किसी को दिक्कत तो नहीं एक व्यक्ति में किसी को दिक्कत तो नहीं अगर एक व्यक्ति आएगा तो कोई दिक्कत अगर एक व्यक्ति आएगा तो दिक्कत एक सवाल लिखा है सवाल को समझो हम सवाल में एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसका नाम होगा डिस्टेंस क्या एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे डिस्टेंस ठीक है क्या यूज करेंगे डिस्टेंस यूज करेंगे ठीक है क्या यूज करेंगे डिस्टेंस यूज करेंगे जब हमको रैंक दे रखी होगी सवाल में कि वो बारहवें नंबर पर है वो सत्तरवें नंबर पर है वो अट्ठारवें नंबर पर है वो बीसवें नंबर पर तो जो रैंक होगी वही क्या होगी डिस्टेंस होगी हमारी बहुत ध्यान रखो जो हम कह रहे हैं जो रैंक होगी वही क्या होगी डिस्टेंस होगी अगर लिखा है राम इज सेवेंटीन फ्रॉम राइट तो कितनी डिस्टेंस है यहां पर राम की राइट से डिस्टेंस कितनी है लिखा हुआ है राम इज सेवेंटीन फ्रॉन द राइट ठीक है ई होगी तो रैंक वही होगी जो डिस्टेंस होगी जैसे यहां पर सत्तर है एक बात ये कांसेप्ट सबको याद हो गया ये कांसेप्ट कॉन्सेप्ट सबको दिमाग में स्टोर हो गया जो रैंक होगी वही डिस्टेंस होगी एक और कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी दिवस बताएंगे पहले क्वेश्चन उतारते हैं आपके दिमाग आइए एक लाइन सबसे पहले एक लाइन खींचो और ये लेफ्ट है और ये राइट है बहुत ध्यान से देखो लेफ्ट है और ये राइट right है आओ बेटा बहुत ध्यान समझ लो कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं से पंद्रवें इन रो रवि इज फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये रवि है आर मतलब रवि कितना है फिफ्टींथ है कितने बच्चों को दिक्कत अब पंद्रह का मतलब डिस्टेंस पंद्रह किसी दिक्कत ये पंद्रह पंद्रह डिस्टेंस है यहां पर क्या है पंद्रह डिस्टेंस है कितनी को दिक्कत इसने एक लाइन में दिक्कत यहां तक की लाइन में कोई दिक्कत किसी को किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत भाई एक क्वेश्चन को आराम से समझा रहे टाइम लेकर ताकि एक में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए यानी हमने इतनी लाइन का क्वेश्चन बना दिया अमित जो है सोलह है राइट हैंड से अमित जो है दाए छोर से सोलवे स्थान पर है दायां छोर ये है ये अमित है और ये सोलवे स्थान पर है यानी राइट से सोलह दूरी चलेंगे तो अमित मिलेगा लेफ्ट से पंद्रह दूरी चलेंगे तो रवि मिलेगा किसी को इस लाइन तक कोई दिक्कत भाई एक बार सवाल समझाऊंगा दोबारा रिपीट बोलोगे तो नहीं समझाऊंगा इसकी गारंटी है दोबारा नहीं समझाऊंगा अगर अभी तक कोई दिक्कत है पूछ लो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि एक बार में ही कॉन्सेप्ट क्लियर समझना है आपको पूरा होश दिमाग कमेंट पर छोड़कर क्लास पर रखो और एक एक लाइन क्लियर कर रहा हूं यहीं पर पूछ लो आगे इफ दीपक इज फोर्ड टू द राइट ऑफ रवि अगर दीपक रवि के चार राइट है अगर दीपक रवि के चार राइट है दीपक क्या है रवि के चार राइट है इफ दीपक इज फोर टू द राइट ऑफ रवि ये ये कौन है दीपक है ये दीपक है और टू द राइट ऑफ है यानी कि ये किस चार दीपक इज द फोर्थ टू राइट ऑफ रवि राइट मतलब इधर इधर राइट साइड जा रहे जाएंगे तो लेफ्ट होगा खुशबू कुमारी ध्यान से पढ़ो बेटा ज्यादा बदतमीजी मत करो जो कह रहा चुपचाप पढ़ो ठीक है क्या दिमाग लगा रखे रवि और रबी दो पर्सन है कहा दो रवि लिखा हुआ है पढ़ाई तो वढ़ाई करती नहीं बेटा दिमाग क्यों डिस्टर्ब करती हो पढ़ना लिखना नहीं है क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है यहां तक की बात सारे बच्चों क्लियर है कि राइट से से बेटा नूर ज़्यादा क्लास बाहर चले जाओ पढ़ने दो बच्चों को ठीक है राइट से चार व्यक्ति के डिस्टेंस पर ये दीपक है अरे कहा रवि अरे तो रवि है बेटा ये लो रवि खुश काहे ये रवि से चार राइट पर क्या है पल्लवी अमित की तरफ से क्यों नहीं हो पल्लवी तुम्हारा दिमाग काम कहा ही नहीं कर रहा है दीपक इज फोर टू द राइट ऑफ रवि जब रवि के राइट लिखा है तो रवि का राइट तो यही है अमित से चलेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा बेटा बुद्धि कहां गई तुम लोगों की अगर दीपक जो है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित है फिर उसने कहा दीपक जो है अमित के पांच लेफ्ट है बेटा दीपक क्या है अमित के पांच लेफ्ट है देखो दीपक जो है अमित के बेटा पांच लेफ्ट है ये दीपक है और ये पांच की डिस्टेंस है कितने बच्चों को ये बात क्लियर है सालू सिंह बेटा पढ़ा रहे कितनी मेहनत से डायग्राम बनता है और आप लोग अभी बाद में क्या कहोगे आखिरी में क्या कहोगे रिपीट करो आखिरी में आप बच्चे में कुछ बोल देंगे कुछ बच्चे आ जाएंगे बैठ कुछ कूदेंगे कहीं आगे रिवाइट रिपीट कर दो ठीक है इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम है इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम नो no. हमारा डायग्राम पूरा बन चुका है अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा यह डायग्राम जो है डिस्टेंस का डायग्राम है वॉट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड यानी सवाल की डिमांड यह है राइट right हैंड से चलो और रवि की डिस्टेंस बताओ रैंक कितनी होगी रैंक रवि की रैंक रवि की वही होगी जो डिस्टेंस होगी सबको जोड़ दो इधर चले सोलह पांच इक्कीस और चार पच्चीस क्या रवि की ट्वेंटी फाइव रैंक सबको समझ में आ गई रवि की रैंक रवि की रैंक पच्चीस सबको समझ में आ गई यस और नो एवरीबडी यस और नो रवि की रैंक राइट हैंड से पच्चीस सबको समझ में आ गई बोलो हाँ और ना आ गई अच्छा अब हमको बताओ दीपक की रैंक राइट से कितनी होगी द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम राइट हैंड दीपक दाहिने से कितनी रैंक पर है दीपक दाहिने से कितनी रैंक पर है रैंक मतलब होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस जो लिखी है वही है तो 16 प्लस पांच इक्कीस तो दीपक जो है राइट से वो 16 प्लस पांच इक्कीस की डिस्टेंस पर है यानी इक्कीस रैंक है 21वीं पोजीशन पर है दीपक अच्छा अब एक बात बताओ हमको दीपक की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है? दीपक की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है लेफ्ट हैंड से दीपक कितने नंबर पर है भैया दीपक भैया लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पर है दीपक भैया लेफ्ट हैंड से कितने पर है पंद्रह प्लस चार उन्नीस नंबर पर है कोई बात नहीं अच्छा एक बच्चा अमित है अमित की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी है अमित की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी है वट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अमित की बाएं से क्या पोजीशन है अमित की बाएं से क्या पोजीशन है व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अमित की बाएं से पोजीशन क्या है मेरे भाइयों ये अमित की पोजीशन मांगी जा रही है तो पंद्रह चार उन्नीस और पांच चौबीस अमित जो है लेफ्ट हैंड से चौबीस नंबर पर है यह बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए गए वो सबको क्लियर है क्लियर है अभी तक के जितने क्वेश्चंस बताए गए वो सबको क्लियर है किलियर है आइए ये चार व्यक्ति हैं एबीसीडी चार व्यक्ति लिखे एक दो तीन चार फोर पर्सन है क्या है चार व्यक्ति हैं चार व्यक्ति हैं या चार खंबे मान लो चार व्यक्ति हैं या चार खंबे मान लो चार व्यक्ति मान लो या चार पोल मान लो आप बताओ चार लोगों के बीच में कितनी डिस्टेंस आती है अगर खंबे चार हैं तो डिस्टेंस कितने बार होंगी अगर खंभे चार लगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी तीन कितनी होगी तीन एक, दो तीन तीन हिस्से होंगे क्या होंगे तीन हिस्से होंगे या तीन डिस्टेंस होंगी अब इन्हीं को हमने पर्सन बोल दिया तो यानी पर्सन बराबर पर्सन कितने पर्सन थे बेटा चार डिस्टेंस माइनस वन बोलो भाई बोलो भाई बात क्लियर है नहीं समझ में आया होगा पर्सन जो होते हैं उससे कम डिस्टेंस से एक कम होते हैं यानी पर्सन हो गए चार अभी ये चार से एक कम डिस्टेंस होती है बात समझो जितने पर्सन होंगे वो डिस्टेंस से एक कम यानी पर्सन जो होते हैं डिस्टेंस से एक कम करेंगे वो वैल्यू जो होगी वो पर्सन के बराबर आएगी नहीं समझे पर्सन चार डिस्टेंस तीन तभी तो ये तीन लिखे हैं तो इन तीन को हमने डिस्टेंस में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया अगर हम पर्सन से एक कम कर दें तो वही डिस्टेंस के बराबर होती है क्या होती है वही डिस्टेंस की है हाँ अगर पर्सन दस है तो डिस्टेंस नौ होगी बिल्कुल सही बात है क्लियर है अरे बोलो यार बोलते क्यों नहीं हो बोलो भाई बोलते क्यों नहीं हो मतलब कहने का सिर्फ यही है हमने डिस्टेंस की थी तीन डिस्टेंस थी तो तीन डिस्टेंस हमारे पास कैसे आई जब हमने चार में से एक को माइनस किया तभी तो तीन डिस्टेंस मिली है ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस मिली पर्सन को हां डिस्टेंस नाइन तो पर्सन दस ठीक है क्या कह रहे हो तो आप ये कहना चाहते हो पर्सन बराबर डिस्टेंस प्लस वन ये ये कह रहे हो वही तो हम कहना चाह रहे हैं काहे परेशान हो रहे हो अब आप लोग हमारे से ज्यादा तेज चल रहे हो तो क्या ही कर सकता आदमी पर्सन बराबर डिस्टेंस माइनस वन ठीक है आइए समझाते हैं ऐसा क्यों है अब इस फॉर्मूले को मत समझो हमें ये वैल्यू को बराबर करनी है ये देखो चार माइनस एक चार बराबर चार माइनस एक चार बराबर चार माइनस एक आइए अभी समझाते हैं अब देखो हमने क्या कहा दोस्तों बहुत ध्यान से देखो अगर हम ये रवि और अमित को देखें रवि और अमित इसके बीच में डिस्टेंस कितनी चार प्लस पांच नौ की डिस्टेंस है अगर हम इसमें पर्सन देखेंगे कितने होंगे रवि और अमित के बीच में कितने व्यक्ति होंगे तो पर्सन जो होते हैं वो डिस्टेंस से एक कम होते हैं तो नौ से एक कम करेंगे आठ आठ व्यक्ति होंगे क्लियर है ओके बोलो अरे बोलो भैया इनके बीच में आठ लोग हैं और किनारे किनारे दो दस लोग हो गए कि नहीं हो गए दस लोग नो डिस्टेंस हो गई अभी आपको कंफ्यूज है देखो आठ पर्सन हमने इनके बीच में निकाले हैं बीच में आठ है एक ये और एक ये टोटल दस पर्सन हो गए डिस्टेंस कितनी होगी कि नौ वही तो नौ है अगर हम एक बढ़ा देंगे तो बाद में गलत हो जाएगा वो इसके हिसाब से काउंटिंग नहीं होती है समझे जो पर्सन होंगे वो डिस्टेंस से हमेशा एक कम होंगे क्लियर है क्लियर आइए अब और सिखाते हैं ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया सबको सबको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया ये सब क्वेश्चन करा दिए और क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें बताइए रवि और दीपक के बीच में कितने लोग होंगे रवि और दीपक के बीच में कितने लोग होंगे हाउ मैनी पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक रवि और दीपक के बीच में कितने लोग होंगे जितनी डिस्टेंस होगी उससे एक कम पर्सन होंगे रूहान अपनी बुद्धि मत खर्च करो ना हमारी करवाओ जितने डिस्टेंस होगी उससे एक कम पर्सन होगा तो रवि और दीपक की चार है तो एक हो गया तीन हो गया वट हाउ मेनी पर्सन बिटवीन दीपक एंड अमित दीपक और अमित के बीच कितने लोग होंगे दीपक और अमित के बीच में कितने लोग होंगे हाउ मैनी पर्सन बिटवीन दीपक एंड अमित क्लियर है अब आगे चलते हैं लेकिन अगला सवाल दिखाते हैं दूसरा सवाल है सॉल्व करिए खुद से और अगर बन जाएगा तो आंसर मैच कराइएगा बताइए आइए <स्थास्थास> लेफ्ट राइट कमेंट नहीं दिख रहा आप लोग इन अ रो कमल एटीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कमल जो है एटीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है ये कमल है और ये अठारवी रैंक पर है रोहन इज सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन रो कमल इज एटीन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड रोहन इज सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ये कमल है और ये रोहन है सेवेंथ ठीक है कमल जो है अठारवें पर है और रोहन जो है सातवें पर है बताओ उनके बीच में कितने लोग हैं बताओ इसका जवाब क्या होगा आप बच्चे सब बताइए ये आठ और दस आंसर क्यों आ रहा है? अधूरा है क्या चलो कोई बात नहीं तो ये इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी अगर ये टोटल अट्ठारह है अट्ठारह में से सात जाएगा तो ग्यारह डिस्टेंस है ये क्या आगे ग्यारह डिस्टेंस है अगर ग्यारह डिस्टेंस है तो पर्सन कितने होंगे डिस्टेंस से एक कम दस व्यक्ति होंगे कितने बच्चों कहानी के लिए ग्यारह डिस्टेंस होंगे तो व्यक्ति दस होंगे बताइए अब सबका आंसर आ जाना चाहिए इस सवाल का आंसर सबका आ जाना चाहिए सुमित और मोहित वाला 我比你还十足。 कितना आंसर आ रहा टोटल पर्सन कितने आ रहे हैं तैतीस आ रहे हैं बहुत बढ़िया ये लेफ्ट है ये राइट right है ठीक है मोहित इज ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मोहित इज ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है ये मोहित है और ये ट्वेल्थ नंबर पर है सुमित इज फिफ्टीन फ्रॉम द राइट हैंड सुमितिफ्टीन फ्रॉम द राइट हैंड सुमित इज राइट टू मोहित तो बिल्कुल सही बनाया सुमित जो है मोहित के राइट पर है बिल्कुल सही डायग्राम बनाया हमारा इफ देयर आर सिक्स पर्सन बिटवीन देम अब यहां पर कहानी मेन है इनके बीच में छह पर्सन बोल रहा है अगर इनके बीच में पर्सन छ है तो डिस्टेंस कितनी होगी अगर इनके बीच हमने देखा था पर्सन बराबर क्या होता है डिस्टेंस माइनस वन इफ दे आर सिक्स परसन पर्सन अगर सिक्स है तो डिस्टेंस माइनस वन डिस्टेंस कितनी होगी सात सात डिस्टेंस रहेगी सात क्योंकि इधर इधर को भी तो इंक्लूड करना है बेटा अब हमें निकालने टोटल तो टोटल पर्सन जो होंगे टोटल एट कर लो बारह प्लस पंद्रह सत्ताईस और सात चौतीस बोर्ड हैंग कर गया पंद्रह प्लस बारह सत्ताईस और सात चौतीस बोर्ड हैंग कर गया भैया चौंतीस आ गई लेकिन चौंतीस आई क्या है ये तो डिस्टेंस आ गई चौतीस लेकिन हमें क्या निकालना था परसेंट, तो पर्सन निकालने का तरीका क्या होता है डिस्टेंस से एक माइनस कर देते हैं चौंतीस माइनस एक तैतीस परसन हो गए राधे 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 जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूज बना रहे हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे हमने सिर्फ एक चीज बताई है आपको पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस माइनस वन आप इसमें अपनी बुद्धि ना खर्च करो दिमाग में बैठा लो बता दिया जाएगा डिस्टेंस माइनस वन पर्सन बराबर होता है डिस्टेंस माइनस वन हम डायग्राम बनाएंगे डिस्टेंस का ठीक है तो डायग्राम का डिस्टेंस बना दिया उसने कहा था उनके बीच में छह लोग हैं लोग हो गए तो डिस्टेंस कितनी होगी सात हमने सात डिस्टेंस लिख दी टोटल डिस्टेंस देखी बारह प्लस सात उन्नीस प्लस पंद्रह चौतीस डिस्टेंस आ गई लेकिन जब आप पर्सन का देना था तो डिस्टेंस से एक कम करते तो व्यक्ति निकल कर आते हाँ हा, निवेदिता बिल्कुल गलत सोचा आपने हमको जो डायग्राम है वो डिस्टेंस का बनाना है डायग्राम जो है डिस्टेंस का बनाना है और डिस्टेंस क्या होती है जो हमें रैंक दी होती है या पोजीशन दी होती है वो सब की सब डिस्टेंस होती है ठीक है और जो पर्सन होंगे वो क्या होंगे डिस्टेंस से एक कम होंगे डिस्टेंस पर्सन से एक ज्यादा होती है बस इतना ही समझाया यही तो समझाया और क्या कहा बोलो यही तो समझाया है इसके अलावा को समझाया नहीं तो जो कंफ्यूज है वो कंफ्यूज बने रहे व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम राइट हैंड मोहित की राइट right से रैंक कितनी होगी हम गर्म नहीं है आप लोग इतनी सिंपल चीज समझने में टाइम लगा रहे हो मोहित की राइट से रैंक कितनी है भाई अब देखो मोहित की रैंक पूछी गई रैंक मतलब डिस्टेंस यहां से चलो डिस्टेंस लेकर आओ मोहित पंद्रह प्लस सात बाईस मोहित की रैंक बाईस है बाईस रैंक है ठीक है अब देखो अगर आपको क्रॉस चेक करना है आपको क्रॉस चेक करना है एक चीज ये मोहित और सुमित के बीच में कितने लोग हैं हाउ मेनी पर्सन बिटवीन मोहित और सुमित तो डिस्टेंस है डिस्टेंस से एक कम कर दो व्यक्ति आ जाएंगे छह है सवाल ने दे रखे थे आया समझ में मोहित और सुमित के बीच में कितने लोग हैं सात की डिस्टेंस है एक कम कर दिए छह लोग सवाल में दे रखे थे अगर हम आपकी जगह आठ लिख देते तो सवाल गलत हो जाता ये या पांच लिख देते सवाल गलत हो जाता हम अगर आपकी बात मान के लिख दे देते तो सवाल ही अलग हो जाता क्लियर है चलो अब कोई भी सवाल सॉल्व करना ना बने तो बताना अब होमवर्क के लिए पीडीएफ दे, दे, दे देंगे ऐसे क्वेश्चंस की हाँ थैंक यू सो मच क्लास अच्छा कुछ बच्चों को समझ में आया है और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं जो कंफ्यूज हो गए वो दोबारा एक बार देखेंगे सब समझ में आ जाएगा कोई कंफ्यूजन नहीं है बस ये जान लो जो रैंक दी होती है सवाल में जो पोजीशन दी होगी वही हमारी डिस्टेंस होगी वही क्या होगी डिस्टेंस होगी और जो डायग्राम बनेगा वो इसी डिस्टेंस का बनेगा व्यक्ति अगर सवाल में व्यक्ति दे रखे हैं तो वो डिस्टेंस से एक कम होंगे क्या होंगे डिस्टेंस से एक कम होते हैं व्यक्ति यानी अगर सवाल में चालीस व्यक्ति दे रखे हैं यानी हम उनतालीस की डिस्टेंस बनाएंगे व्यक्ति अगर चालीस दे रखे तो डिस्टेंस हमारी उन्तालीस की होगी अगर टोटल डिस्टेंस उनतालीस निकल कर आ रही है तो व्यक्ति कितने होंगे अड़तीस होंगे व्यक्ति अड़तीस होंगे ये समझा रहा हूं जितनी डिस्टेंस होगी उससे एक कम व्यक्ति होगा और जो व्यक्ति दे रखे होंगे उससे एक कम डिस्टेंस लिख देंगे बस खत्म बात थैंक यू टेक केयर गॉड ब्लेस यू सारे बच्चे क्लास का फीडबैक करिएगा अगर आप फीडबैक करेंगे तो कल हम और शानदार सवाल कराएंगे फिर पजल भी कराएंगे सिटिंग अरेंजमेंट कराएंगे आपका सब कुछ कराएंगे थैंक यू जय हिंद जय भारत